गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग 7th चैप्टर पढ़ेंगे, जाड़े की धूप। धूप यानी तो हमें पता ही होगा ना, जो सूरज की रोशनी से हमें आती है, गर्मी लगती है ना, धूप। ठीक है, जाड़े यानी कि सर्दी, यानी कि ठंड की मौसम में, यानी कि विंटर सीजन में, जाड़े की धूप यानी कि विंटर में जो धूप निकलती है वो, उसके बारे में यहाँ पे पोएम दी गई है। ठीक है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 60 पर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पिक्चर दिया हुआ है पोएम से रिलेटेड। ये देखिए सूरज है, उसकी किरणें धूप आ रही है और ये बच्चे देखिए धूप में खेल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग पोएम समझते हैं। नभ के राजभवन से आती रवि की रात दुलारी धूप, हम सबको है कितनी भांति जाड़े की यह प्यारी धूप। सुबह सुबह तो चढ़ जाती है ऊंचे महल अटारी धूप, फिर आंगन में आ जाती है अपने लिए सवारी धूप। फूल खिलाती और सजाती है सुंदर फुलवारी धूप, हंसती है और मुस्काती है भरती है किलकारी धूप। यानी कि देखिए अब हम समझते हैं, नभ के राजभवन से आती, यानी नभ यानी कि आकाश, राजभवन यानी कि महल, यानी कि धूप कहाँ से आती है, आकाश के महल से आती है, यानी कि आसमान में जो सूरज का राजमहल है ना, महल, वहां से आती है। रवि की रात दुलारी धूप, रवि यानी कि सूरज, सूरज को रवि भी कहते हैं। ठीक है, रात दुलारी यानी कि प्यारी, यानी कि आकाश में जो महल है वहां के रवि जो है राजा, उसकी प्यारी है धूप, यानी रात दुलारी है उसकी धूप। हम सबको ही कितनी भांति जाड़े की यह प्यारी धूप, यानी कि वो कह रहे हैं कि हम सबको कितनी प्यारी लगती है, कितनी अच्छी भांति यानी कि अच्छी लगती है, जाड़े की यानी कि ठंड की मौसम की प्यारी धूप। यानी कि देखो भी समर सीजन में धूप निकलती है ना, तो वो हमें बहुत ही चुभती है, बहुत ही गर्मी लगती है, बहुत ही गर्म रहती है, और जब विंटर सीजन में वो धूप निकलती है ना, तो उसमें गर्मी कम रहती है, क्योंकि यहाँ पे ठंडी रहती है ना, तो वो हमें मीठी मीठी धूप लगती है, ज्यादा गर्मी नहीं लगती, बहुत ही अच्छी लगती है। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सुबह सुबह तो चढ़ जाती है ऊंचे महल अटारी धूप, यानी कि वो कह रहे कि सुबह सुबह ये धूप जो आती है वो कहाँ चढ़ जाती है, ऊंचे महल, यानी कि जो महल की ऊंचाई ज्यादा है सबसे पहले तो वो वहां आती है अटारी यानी कि मकान, यानी कि ऊंचे ऊंचे मकानों पे सबसे पहले धूप आती है, उसके बाद नीचे आती है, फिर आंगन में आ जाती है अपने लिए सवारी धूप। यानी कि ये पहले महल पे जाती है ऊंचे ऊंचे, उसके बाद धीरे धीरे वो आंगन में आती है, इस तरह से वो सवारी लिए घूमती है धूप। फुलवारी खिलाती और सजाती, यानी फुलवारी यानी कि जब सुबह होती है, फूल पौधों को, पेड़ पौधों को भी धूप की बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि धूप नहीं मिलती है तो वो भी अच्छे से नहीं रहते, वो सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो जैसे ही पौधों के लिए पानी जरूरी है, उनके लिए धूप भी जरूरी है, तो विंटर की सीजन में जब तक धूप नहीं मिलती है ना, तब तक फूल नहीं खिलते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि ठंड की मौसम में जैसे ही धूप आती है तो सारे फूल खिल जाते हैं, तो फूलों फूल खिलाती और सजाती, यानी कि धूप आती है तुरंत सारे फूल खिल जाते और चारों ओर सजा देती है। फूल फूल खिलते हैं तो खुशबू भी आने लगती है ना फूल की, तो इस तरह से सज जाता है चारों ओर। हे सुंदर फुलवारी धूप, यानी कि कितनी सुंदर फुलवारी, यानी कि चारों ओर फूल खिले हुए, नए नए रंग, अलग अलग रंग दिखने लगते, खुशबू आने लगती है, इस तरह से धूप बहुत ही अच्छा करती है। हंसती है और मुस्काती, यानी कि हंसती मुस्काती यानी कि जो धूप है वो कैसी लगती है, हमें मीठी मीठी लगती है, ज़्यादा धूप नहीं लगती है, वो धूप हमें अच्छी लगती है। विंटर के सीजन में हमें धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे धूप क्या कर रही है, हंसती है और मुस्काती है। भरती है किलकारी धूप, किलकारी यानी कि छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो वो किलकारी भरते हैं ना, जैसे कि थोड़ा थोड़ा बोलने को सीखते हैं तो उसको किलकारी बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है विंटर की सीजन में कि धूप क्या कर रही है, हंसती है, मुस्कुराती है और बच्चों की तरह किलकारी भी भरती है, और जब धूप आती है तो नए नए फूल खिल जाते हैं और चारों ओर फुलवारी और खूबसूरत ब्यूटीफुल माहौल बना देती है। ये लास्ट में देखिए नाम लिखा है विश्वनाथ गुप्त, यानी कि ये राइटर है, कवि है, उन्होंने ये पूरी पोयम लिखी है, उन्होंने पूरी पोयम लिखी है। तो देखिए पोयम से हमने क्या क्या सीखा, कि
धूप कहाँ से आती है? पहले तो वो धूप आसमान के महल से, और रवि यानी सूरज की बहुत ही प्यारी है धूप, और सबको बाती यानी कि ठंड विंटर की सीजन में सबको अच्छी लगती है और सबको पसंद आती है ऐसी ये धूप। सुबह सुबह वो महल अटल यानी कि विंटर की सीजन में सुबह सुबह वो कहाँ आती है? ऊंचे ऊंचे महलों पे, ऊंचे ऊंचे मकानों पे आती है, उसके बाद धीरे धीरे आंगन में आती है। फिर उसके बाद आंगन में जैसे ही आती है तो वहाँ पे जितने भी फूल है सबको खिला देती है और चारों ओर सुंदर फुलवारी हो जाती है, सज जाती है। फिर ऐसा लगता है जैसे धूप जो है वो हंसती है, मुस्कुराती है और बच्चों की तरह किलकारी भरती है। तो यहाँ पे इस पोयम में हमें विंटर में होने वाली जाड़ी यानी सर्दी के मौसम में धूप कैसी आती है, उसमें हमें कैसा फील होता है, कैसे महसूस होता है, उसके बारे में ये पूरे पोयम में हमें बताया गया है। ठीक है कि विंटर के सीजन में क्या होता है, सर्दी के मौसम में धूप कैसी होती है, उसके बारे में बताया गया है। क्योंकि देखो समर सीजन में तो धूप आती है तो हमें अच्छा नहीं लगता है ना कि क्यों इतनी धूप है, हमें बहुत गर्मी लगती है, चुभती भी है, तो हम उसे उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते। पर वही सीजन जब चेंज होती है विंटर की, तब हम लोगों को वो धूप अच्छी लगने लगती है, हम सोचते पूरा दिन धूप में बैठे रहे, ऐसा करते रहे, तो वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे धूप की इम्पोर्टेंट बता रहे हैं कि सर्दी के मौसम में धूप कितनी अच्छी होती है और क्या क्या करती है उसकी इम्पोर्टेंट बताई गई है। और सर्दी की सीजन कब शुरू होती है, अभी देखो कौन सी सीजन चल रही है, अभी हम लोगों के यहाँ रेनी सीजन का एंडिंग हो रहा है, खत्म हो रही है, अब धीरे धीरे विंटर सीजन सर्दी की मौसम शुरू होगी। नवंबर में थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की शुरू हो जाती है, फिर धीरे धीरे दिसंबर और जनवरी फरवरी में थोड़ी थोड़ी एंड हो जाती है। ठीक है जनवरी तक खूब रहती है ठंडी, फिर फरवरी में कम हो जाती है। इस तरह से ये सर्दी की ऋतु है, 3 या 4 महीने चलती है। ठीक है तो यहाँ पे ये जो सीजन है उसमें धूप कैसी होती है, वो क्या क्या करती है, उसके बारे में यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताया गया है। ठीक है थैंक यू।